हेलो फ्रेंड्स, आज हम एम के जे एन क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर के हिरणमगरी कैंपस एम के जे सी स्मार्ट का एक टूर करते हैं। तो आइए हम एंटर करते हैं एम के जे सी स्मार्ट माइलस्टोन कैंपस के अंदर। ये एम के जे एन क्लासेस का माइलस्टोन कैंपस है, जहां पर एम के जे सी स्मार्ट का एस आई पी प्रोग्राम डी बी स्कूलिंग चलता है। एस आई पी, जैसा आप जानते हैं, स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, राइट। और डी बी मीन्स ये डे बोर्डिंग प्रोग्राम है। तो ये एम के जे एन क्लासेस का स्मार्ट का एक आपको कैंपस का हम टूर करा रहे हैं। ये इसका एंट्रेंस है, जहाँ पर पर्याप्त ये प्रार्थना स्थल हैं, जहाँ पर बच्चे प्रेयर करते हैं। पार्किंग के लिए यहाँ पर काफ़ी सुविधा है, यहाँ पर जहाँ पर आप टू व्हीलर्स को पार्क कर सकते हैं, राइट। इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये प्रार्थना स्थल है, यहाँ पर बच्चे प्रेयर करते हैं। और यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ के साथ में जो कैंपस है वो पूरी तरह से फुल्ली लोडेड है। तो आइए हम आपको बताते हैं यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं। चलो एक टूर करते हैं हम एक एडमिन ब्लॉक का। ये एम के जे एन क्लासेस का एडमिन ब्लॉक है, राइट। और यहाँ पर एम के जे एन क्लासेस के सारे प्रवेश संबंधी, कैसे जो चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे वो काउंसलिंग हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है की जाती है। तो आइए हम एम के जे एन क्लासेस के एडमिन ब्लॉक के अंदर एंटर करते हैं। ये एम के जे एन क्लासेस का एडमिन ब्लॉक है, जहाँ पर काउंसलर जो हैं वो बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। और यहाँ पर कोई भी जो आता है तो रिसेप्शन पे पहले उसका वेलकम किया जाता है। एम के जे एन क्लासेस के हम दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं। ये एम के जे एन क्लासेस के काउंसलिंग का सेशन है, जहाँ पर बच्चों की काउंसलिंग की जाती है। उनका पूरा कंप्यूटराइज रिकॉर्ड रखा जाता है और उनके बारे में जो भी कुछ जानकारी चाहिए वो इस डेस्क से पेरेंट्स ले सकते हैं। तो ये अलग अलग डेस्क है एम के जे एन क्लासेस के, जहाँ पर बच्चे के बारे में पूरी जो है वो रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, राइट। इस तरह से ये अलग अलग चैम्बर्स हैं, जिसके अंदर बच्चों के बारे में सारी चीज़ों को यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एडमिन से लगाकर और बाकी सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर ही पेरेंट्स को और बच्चों को कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, राइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम आपको एक काउंसलिंग मीटिंग रूम में लेके चलते हैं, जिसको हम डाउट काउंटर भी बोलते हैं, मीटिंग रूम भी कहते हैं। तो बच्चों की बहुत सारी आज के समय में प्रॉब्लम्स है, तो उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए ये यहाँ का बच्चों का मीटिंग रूम है, जहाँ पर टीचर्स बच्चों के साथ बैठ कर और उनकी पर्सनल प्रॉब्लम की काउंसलिंग करते हैं और उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है उनको सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये एम के जे एन क्लासेस का जो है वो मीटिंग रूम है, जिसमें बच्चों की काउंसलिंग की जाती है। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं, जो दूसरी बताते हैं यहाँ पर और क्या क्या सुविधाएं हैं। तो आइए हम बताते हैं एम के जे एन क्लासेस के अंदर कैसे स्टडी होती है। सबसे पहले यहाँ लेक्चर क्लास होती है, 90 मिनट्स के लेक्चर होते हैं। हर लेक्चर के बाद विद्यार्थियों को डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी जाती है, ताकि बच्चे जो आज का काम है वो आज ही कर लें। आज के दौर में बच्चों को जगा के रखना बहुत ज़रूरी है। डीपीपी मींस डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, आज जो पढ़ाया है वही उनको दी जाती है और नेक्स्ट डे उसकी फिर वापस चेकिंग की जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रैक्टिकल लैब्स है, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, सारी लैब्स अप टू डेट है, जहाँ पर 11th और 12th के बच्चों को जो साइंस सब्जेक्ट लेते हैं उनको प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। हमारा मानना है कि मोटिवेशनल बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो एवरी मंथ में हर फोर्थनाइटली 15 डेज में बच्चों के लिए मोटिवेशनल की क्लास होती है, जिसमें जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर एम के जैन साहब, वो खुद बच्चों को मोटिवेशन देते हैं और उनकी काउंसलिंग के लिए अलग अलग काउंसलर भी हैं, तो उनकी काउंसलिंग भी की जाती है, जिससे बच्चे हमेशा बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करते रहते हैं, राइट। नेक्स्ट है रिवीजन क्लास। देखिए, कोर्स कंप्लीट कराना एक बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है रिवीजन क्लास। तो रिवीजन एक ऐसी टेक्निक है जिससे बच्चों को लर्न होता है। वो सबसे पहले क्लास में लेक्चर अटेंड करता है, फिर डीपीपी करता है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, फिर होमवर्क है उसके पास में, और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज रिवीजन होता है, जिससे वो बहुत अच्छी तरह से आगे परफॉर्म कर सकता है। एक और बात एम के जे एन क्लासेस की बड़ी विशेषता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर जो हायर लेवल पर आते हैं या 9th 10th से आते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ओलंपियाड प्लस नीट
मेडिकल एंट्रेंस प्लस आईआईटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस प्लस सीएसीएस कॉमर्स एंट्रेंस सीए फाउंडेशन इन सब की तैयारी के लिए आते हैं। तो यहाँ बोर्ड का और कॉम्पिटिटिव का पीरियड अलग अलग होता है, इसलिए बच्चे दोनों ही लेवल पर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बोर्ड का और कॉम्पिटिटिव लेवल का, क्योंकि पीरियड दोनों के अलग अलग हैं। इसीलिए ये डे बोर्डिंग कैंपस है जिसके अंदर बच्चों को दोनों ही तरह की क्लासेस अटेंड करने का उनको मौका मिलता है। यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर है जिस पे बच्चा पर डे यहाँ पर रुक के अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके फिर घर पर जाता है ताकि घर पर स्ट्रेस फ्री होकर वो अपनी तैयारी कर सके। अनिवार्य जो सब्जेक्ट होते हैं कंपलसरी इंग्लिश हिंदी फिजिकल एजुकेशन, उनकी भी यहाँ पर नियमित तौर पर रेगुलर क्लास होती है। वंस इन ए मंथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, पेरेंट्स डायरेक्टर मीटिंग होती है, जिसमें सारी चीज़ों को पेरेंट्स और टीचर एक दूसरे से मिलकर उसको कंप्लीट कर सकते हैं और बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। एमके जैसी स्मार्ट कैंपस में पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं और उसी एक्टिविटीज़ में से बच्चों को रिफ्रेश करने के लिए ये एमके जैन क्लासेस का इंडोर गेमिंग जोन है, जहाँ पर बच्चों के लिए अलग अलग इंडोर गेम्स की सुविधाएं की गई हैं, जिसमें लूडो है, चाइनीज चेकर है, चेस है, कैरम है, जिससे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ 30-40 मिनट्स इस तरह के जो इंडोर गेम्स हैं उनका भी आनंद ले सकते हैं और अपने को रिफ्रेश कर सकते हैं। ये एमके जैन क्लासेस का एमके जैसी स्मार्ट कैंपस में म्यूज़िक रूम है, जिसमें म्यूज़िक टीचर द्वारा बच्चों को म्यूज़िक सिखाया जाता है और छोटी क्लासेस में, और बड़े बच्चों को रिलैक्स होने के लिए जो मेडिकल और आईआईटी की तैयारी करते हैं तो उनके लिए एक रिलैक्सेशन का, जैसा सब लोग जानते हैं म्यूज़िक एक बहुत ही अच्छा जो है वो साधन है। तो बच्चे बड़े जब पढ़ाई करते हैं मेडिकल की आईआईटी की, तो साथ में इस म्यूज़िक रूम के अंदर जब उनकी एक एक्टिविटी होती है म्यूज़िक के साथ में, तो अपने आप को वापस रिफ्रेश कर लेते हैं और दूसरे दिन के लिए तैयार कर लेते हैं। तो ये वीकली एक बार बच्चों को म्यूज़िक रूम की फैसिलिटी है, उसमें बच्चे आते हैं और म्यूज़िक का आनंद लेते हैं। ये एमके जैन क्लासेस का डिजिटल रूम है जिसके अंदर बच्चों के सारे इस ग्रीन स्क्रीन पे वीडियो बनते हैं, यहीं से कंप्यूटराइज होते हैं, यहीं से गूगल फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव जो है वो सारे परफॉर्मेंस होते हैं, और यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए हमने एक बहुत ही अच्छा सुपीरियर क्वालिटी का कैमरा लगा रखा है जो बिल्कुल यहाँ पर उन सारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है और उनकी यहाँ पर जो है सारी रिकॉर्डिंग के बाद में उनको एडिटिंग करके, ये एडिटिंग डिपार्टमेंट भी है और यहाँ से बच्चों की किसी भी तरह की परफॉर्मेंस होती है वो पेरेंट्स तक उनको भेजा जाता है। तो ये एमके जैन क्लासेस का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक रूम है जिसमें बच्चों की किसी भी तरह की एजुकेशनल परफॉर्मेंस को, चाहे कल्चरल परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाता है और पेरेंट्स तक उनको पहुँचाया जाता है और सोसाइटी के सामने भी लाया जाता है ताकि बच्चों को प्राउड फील हो और वो आगे बढ़ सके। एमके जैन क्लासेस ने हर लेवल पर 38 सालों में अपने आप को स्थापित किया है। एमके जैन क्लासेस की एलुमिनाई के फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं ऊपर, जो एमके जैसी के प्राउड हैं, एमके जैसी प्राउड, एमके जैसी एलुमिनाई, और वो आज देश विदेश में अलग अलग जगह पर अपना परचम फहरा रहे हैं। एवरी ईयर हर स्तर पर एमके जैन क्लासेस का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहता है, जिसके अंदर चाहे वो नीट हो, चाहे वो ट्वेल्थ हो, चाहे वो टेंथ का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के अंदर एमके जैसी के स्टूडेंट बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करते हैं और उनके सारे रिज़ल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम एमके जैन क्लासेस के क्लासरूम में को देखते हैं, जहाँ पर बच्चों के लिए कंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट है और बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी होती है, रिलेटिव वेलोसिटी सेकंड माइनस फर्स्ट।
ये MKJC स्मार्ट का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रूम है, जिसमें बच्चों की पर्सनैलिटी को निखारा जाता है ताकि वो सोसाइटी के सामने जाके अच्छी परफॉर्मेंस दे सके और आगे बढ़ सके। आज के दौर में शिक्षा के साथ संस्कार, MKJN क्लासेस का ये मानना है कि शिक्षा के साथ अगर संस्कार बच्चों को नहीं सिखाया जाएगा तो एक अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे। ये MKJN क्लासेस का संस्कार रूम है, जिसके अंदर बच्चों को ये सिखाया जाता है कि उनका सोसाइटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स के प्रति उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको बताया जाता है कि हमारे भारत के अंदर कौन कौन महान संत हुए हैं, क्या क्या उन्होंने किया है सोसाइटी के लिए, ताकि बच्चे में एक देशभक्ति की भावना पैदा हो। यहाँ सभी धर्मों का आदर करना सिखाया जाता है, बच्चों को एक नई राह दिखाई जाती है ताकि वो सोसाइटी के लिए यूज़फुल बने, केवल बुकिश वॉर्म किताबी कीड़े बनके नहीं रह जाए। बच्चों को हेरिटेज के बारे में बताया जाता है कि भारत की कितनी जो विरासत है, जो इतिहास है, वो कितना गौरवशाली है। और यहाँ पर बच्चों को तरह तरह से उनको इस बात के ऊपर फोकस किया जाता है कि वो बहुत अच्छी तरह से जीवन के अंदर आनंद के साथ अच्छी तरह से सोसाइटी के लिए उपयोगी बनते हुए अपने जीवन को आगे चलाएं। तो ये MKJC स्मार्ट का संस्कार रूम था। ये MKJN क्लासेस का MKJC स्मार्ट का ऑडिटोरियम है, मूवी थिएटर भी है, और यहाँ पर बच्चों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से या फिर मूवी के थ्रू या फिर किसी भी डिजिटल जो मीडियम है उसके थ्रू बच्चे को यहाँ पर इस ऑडिटोरियम के अंदर जो है वो बच्चों को सारी बातों को बताया जाता है। तो दोस्तों, ये MKJN क्लासेस के MKJC स्मार्ट हिरन मगरी कैंपस का एक टूर हमने आपको करवाया। यहाँ हम जीवन बनाते हैं, यहाँ हम भविष्य को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं ना, वन बुक वन पेन, वन चाइल्ड एंड वन टीचर कैन चेंज द वर्ल्ड। वही हम करने की कोशिश करते हैं MKJC स्मार्ट में, MKJN क्लासेस में, सिंस 1986। थैंक यू सो मच।